कनौज स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में नाम बढ़ाने एवं घटाने तथा किसानों का ऋण माफ करने संबंधी जानकारियां देने के साथ ही 15 जनवरी को कृषि मंत्री सचिन यादव के कनौज आगमन को लेकर तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सादिक खान सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य रमजान खान, मंडलों के अध्यक्ष सहित कन्नौ तथा आसपास ग्रामीण अंचल के बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद थे। अध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के द्वारा शपथ लेने के बाद सरकार का गठन हुआ, तुरंत उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा की और कर्ज माफी की घोषणा के हस्ताक्षर होने के बाद ही उस तारीख में मीटिंग का आयोजन किया गया था। किसानों को यह समझाई दी गई कि किसानों का कर्ज किस प्रकार से माफ होगा, कार्यकर्ताओं को बताया, किसानों घर घर जाके ये बात बताया और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में नाम बढ़ाने घटाने की प्रक्रिया चल रही है, उस संबंध में नाम बढ़ाने घटाने के प्रक्रम कार्यकर्ताओं को समझाई दी गई कि मतदाता सूची में नाम बढ़वाए और घटवाए जुड़वाए, इसलिए ये मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे थे और उनको ये भी बताया गया कि 15 तारीख को माननीय कृषि मंत्री सचिन यादव जी कन्नौज पधार रहे हैं, शाम को 7 बजे सब लोग उस दिन उपस्थित रहकर उस प्रक्रिया में भाग लें कार्यक्रम में।